ये 65th ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक मीट CISF के द्वारा हैदराबाद में होस्ट की जा रही है। गच्चीबावली स्टेडियम में करीब 1000 से ज़्यादा पुलिस के एथलीट्स, जो कि डिफरेंट पुलिस फोर्सेस, CRP, BSF, जितने भी ऑल इंडिया पुलिस फोर्सेस हैं और पुलिस और जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी पुलिस फोर्सेस हैं, उन वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 3 तारीख से 7 सितंबर तक ये रहेगी। इसके अंदर करीब 44 इवेंट्स होंगे मेन एंड वेमेन के, लेडीज और जेंट्स के दोनों के। और सारे एथलेटिक इवेंट जो है ये 5 दिन में रहेंगे। 3 तारीख को गवर्नर नरसिम्हन साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे शाम को 5 बजे। और 7 सितंबर को ये मीट क्लोज की जाएगी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के द्वारा। तो हमें बहुत बहुत आभार है, हम आभार प्रकट करते हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का, जिन्होंने 2 महीने के टाइम में ये पूरा स्टेडियम का नक्शा बदल दिया। जो रहने की जगह हमारे पास नहीं थी कहीं पे भी, 1000 एथलीट को रखने के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में खोज रहे थे कि कहाँ रखेंगे इनको। तो इसीलिए गच्चीबावली स्टेडियम के साथ में एक टावर बना हुआ है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2 महीने के अंदर उसका नक्शा बदल दिया। जो मैंने अभी नाम लिया आप लोगों के सामने, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे MD स्पोर्ट्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये सब लोगों ने मिलकर हमारी इतनी मदद की है उसके अंदर कि पूरा टावर जो है वो 3-स्टार होटल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब सारे एथलीट वहाँ रहेंगे और बिल्कुल स्टेडियम के बगल में रहेंगे और वहीं उनका खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा और स्टेडियम में वो पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी इवेंट्स हैं उसके अंदर हम मेडल देने के लिए जितने भी नामी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जो अभी वापस आए हैं स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक से, उनको भी, उनका थोड़ा शेड्यूल ज़रा बिजी है क्योंकि वो अभी अभी वापस आए हैं और उनको पब्लिक में काफ़ी वो वाहवाही मिल रही है। बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनमें से कुछ लोगों को कम से कम, जो PV सिंधु जैसे यहाँ लोकल हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आएँ और हमें ऑनर करें हमारी मीट में आके। गोपी चंद जी को भी हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी भी जितने मेडल विनर्स हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ आके पार्टिसिपेट करने के लिए।